वीडियो में हम लोग कंसाइज मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर जो 5B दिया हुआ है ये हम लोग आज शुरू करेंगे, ठीक है। दूसरी दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो केवल इस बुक को ही फॉलो करते हुए बनाता हूँ, ठीक है। मैं आपको इस बुक के बाहर कुछ एग्जाम्पल भले ही दे दूं बट मेरा फोकस हमेशा इस बुक के हर टॉपिक वाइज ही होता है। जैसे अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाऊंगा तो मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा जो इस बुक में दिया हुआ है। टू एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि आपको एग्जाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए ये बुक पहले पता होनी चाहिए। ये बुक आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको दुनिया भर से आप पढ़ के आएँ लेकिन आपको जब बुक पढ़ें तो आपको समझ में ना आए कि यार ये मेरी बुक में किधर लिखा है। तो इसलिए मेरा फोकस हमेशा इस बुक ही रहेगा। इसमें चाहे जो भी टॉपिक हो, जो भी क्वेश्चंस हो, इवन एग्जाम्पल, मैं वो सारा इस बुक का ही बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 16 है तो ये मैं 16 एग्जाम्पल भी आपको बताऊँगा। तो ये मेरा अप्रोच रहता है थ्रू आउट फॉर कंसाइज मैथमेटिक्स और कंसाइज फिजिक्स बुक दोनों के लिए, ठीक है। तो ये अप्रोच मेरा रहता है। आई मीन कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे तो आई जस्ट वॉन्ट टू रिप्लाई टू दोस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। ये कह रहा है 6 by x = 1 + x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 6 by x = 1 + x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 6 = x को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x + x2। बस अब आपका फॉर्मेट आ गया जो मैंने बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको केस नंबर 2 देखना है जहाँ पे आपको ट्रांसपोज करना है इस इक्वेशन को किस फॉर्मेट में, ax² + bx + c में। तो बस हो गया, ये हो जाएगा x² + x - 6 = 0। और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x² + 3x - 2x - 6 = 0। कॉमन लिया x + 3 दोनों साइड, x + 3, एंड देन यहाँ पे कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, x बचता है और यहाँ पे -2 बचता है एंड दैट इज इक्वल टू 0। देन जीरो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, x - 2 = 0, दैट मीन्स x = 2 और इधर x + 3 = 0, दैट मीन्स x = -3। Therefore, value of x will be either 2 or minus 3, ठीक है। ये हो जाता है आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6।